नमस्कार, मैं हूं दिव्या। नॉन स्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश की प्रमुख खबरें। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को उनके 92 जन्मदिन पर बधाई दी है। राहुल गांधी ने भी उनकी विनम्रता और बुद्धिमत्ता की सराहना की। मनमोहन सिंह जो 2004 से 2014 तक पीएम रहे, आर्थिक सुधारों के प्रमुख वास्तुकार और कई महत्वपूर्ण पदों पर भी कार्य कर चुके हैं। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के बीच अनबन की खबरें चल रही हैं, खासकर अनंत अंबानी की शादी में अलग अलग उपस्थिति को लेकर। ऐश्वर्या को हाल ही में SIIMA 2024 में अवार्ड मिला, लेकिन बच्चन परिवार के कोई सदस्य उनके साथ नहीं थे। अफवाहों पर सिमी ग्रेवाल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा, तुम लोगों को कुछ भी पता नहीं है, बंद करो। कांग्रेस नेता विनेश फोगाट ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होने के बाद पीएम मोदी का कोई समर्थन नहीं मिला। उन्होंने राजनीति में आने का फैसला ओलंपिक 2024 के बाद लिया ताकि बच्चों के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित कर सकें। मखाना, जिसे फॉक्स नट कहा जाता है, भारत में प्रमुखता से उगाया जाता है और इसे ग्लोबल सुपर फूड माना जाता है। इसमें पोषक तत्व जैसे कैल्शियम और पोटेशियम होते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। मखाना को विभिन्न तरीकों से सेवन किया जा सकता है, लेकिन अधिक मात्रा में खाने से पाचन संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं। भारत सरकार ने उद्यमियों की सहायता के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया। ये योजनाएं वित्तीय सहायता, तकनीकी सहयोग और प्रशिक्षण प्रदान करती हैं, जिसमें MSMEs और स्टार्टअप्स को व्यवसाय शुरू करने में मदद मिलती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत चीन संबंध एशिया और विश्व के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने सीमाओं पर तनाव और सैनिकों की वापसी की पर चर्चा की, बताते हुए कि 2020 के बाद गश्त की व्यवस्थाएं बाधित हुई हैं, सीमा पर शांति बहाल करना जरूरी है। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की स्त्री टू ने 42 दिनों में 581 करोड़ का कलेक्शन किया है। ये फिल्म Amazon Prime पर 27 सितंबर को रिलीज हो सकती है, हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। बॉक्स ऑफिस पर ये अन्य फिल्मों से आगे है। WhatsApp चैट को पुराने फोन से नए फोन में ट्रांसफर करना आसान है। पुराने फोन में WhatsApp खोलें, सेटिंग्स में जाकर ट्रांसफर चैट का विकल्प चुनें, फिर नए फोन में स्कैन करके चैट ट्रांसफर करें। एंड्रॉयड से आईफोन में ट्रांसफर के लिए मूव टू iOS ऐप का उपयोग कर सकते हैं। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी 6 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन सेंसर बोर्ड के सुझावों के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया। फिल्म की 30 सितंबर को बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें 11 संशोधन पर चर्चा होगी। कुछ समुदायों ने फिल्म पर बैन लगाने की मांग की है। संजय मांजरेकर ने BCCI पर आरोप लगाया कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को विशेष तवज्जो मिलती है, जो टीम के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने दलित ट्रॉफी में उनकी गैर हाजिरी पर सवाल उठाते हुए कहा कि दोनों के लिए नुकसानदेह है, साथ ही उनके प्रदर्शन पर भी चिंता जताई है। 27 सितंबर से शुरू होने वाले फेस्टिव सेल में स्कैमर्स सक्रिय हो गए हैं। वे फर्जी वेबसाइट्स, कूपन, ईमेल्स और कॉल्स के जरिए लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षित खरीदारी के लिए केवल आधिकारिक साइट्स का उपयोग करें और व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचें। भारत के CDS CEO ने अगस्त 2024 में कई महत्वपूर्ण दवाओं को गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरा पाया है, जिसमें मधुमेह, उच्च रक्तचाप और बच्चों के लिए एंटीबायोटिक्स शामिल है। कंपनियों ने रिपोर्ट को खारिज किया है, जबकि CDS CEO नकली दवाओं की जांच कर रहा है। ये स्वास्थ्य सेवाओं के लिए गंभीर चिंता का विषय है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सुरक्षा परिषद के विस्तार की आवश्यकता जताते हुए भारत को स्थायी सदस्य बनाने की वकालत की है। अमेरिका और अन्य देशों ने भी भारत के समर्थन में बयान दिए हैं, जिससे भारत की वैश्विक स्थिति में वृद्धि हो रही है। प्रसिद्ध यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया के 2 चैनल हैक कर लिए गए हैं, जिनका नाम बदलकर @tesla.event.trump और @elon.trump.tesla_live2024 रख लिया गया है। चैनलों से सभी सामग्री हटा दी गई और वे यूट्यूब से डिलीट हो गए। रणवीर और उनकी टीम इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर GST कम करने के लिए मंत्री स्तरीय समिति की पहली बैठक 19 अक्टूबर को दिल्ली में होगी। समिति ने प्रीमियम पर 18% GST की दर घटाने की समाप्त करने की मांग की है, जिससे बीमा उद्योग और उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। भारतीय सेना ने हाल ही में लेह में हुए हिमटेक सिंपोजियम में कई महत्वपूर्ण इनोवेशन प्रदर्शित किए हैं।
इसमें एम्फीबियस यूजी भी माइन क्लियरेंस सिस्टम, रात के अंधेरे में संचालन के लिए एआई आधारित प्रोडक्ट और लागत कुशल हेलीकॉप्टर इंजन क्लीनिंग सिस्टम शामिल है जो सुरक्षा और बचत में सहायक होगा। झारखंड के बोकारो में तुपकड़ी स्टेशन के निकट एक मालगाड़ी के दो डब्बे पटरी से उतर गए जिसमें ट्रेनों का संचालन बंद हो गया। 15 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है और यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में रेलवे ने जांच के आदेश दिए हैं। नागालैंड के 8 और अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम यानी कि AFSPA को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इन क्षेत्रों को अशांत घोषित किया गया है जहां सशस्त्र बलों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक अधिकार प्राप्त है। भारत सरकार ने साइबर ठगी पर लगाम लगाने के लिए 15 दिनों में लगभग 3 लाख नंबर और 2.37 लाख मोबाइल हैंडसेट ब्लॉक किए हैं। 1,06,912 शिकायतों में से 90,769 पर कार्रवाई की गई है। संदिग्ध कॉल्स की शिकायत करने के लिए संचार साथी पोर्टल और राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल का उपयोग करें। डायबिटीज में ब्लड शुगर नियंत्रित रखना जरूरी है। मिठाई, सोडा, सफेद ब्रेड, फ्राइड फूड और प्रोसेस्ड मीट से दूरी बनाना चाहिए क्योंकि वे ब्लड शुगर को बढ़ा सकते हैं। हरी सब्जियां, सेब, दालें और मेवे जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन करें। सही खान पान से डायबिटीज को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। सलमान खान नई फिल्म सिकंदर के साथ ईद 2025 में लौट रहे हैं। इसका निर्देशन AR मुरुगा दास कर रहे हैं। फिल्म में रश्मिका मंदाना भी है। कोविड के बाद अगर फिल्म पहले दिन 50 करोड़ रुपए कमाती है तो ये ईद पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन जाएगी। सात्विक सोलर के CEO प्रशांत माथुर ने बताया है कि कंपनी 2025-26 तक सौर मॉड्यूल और सेल विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए 2000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस दौरान 1000 नई नौकरियों की भी योजना है। कंपनी ओडिशा में नया कारखाना स्थापित कर रही है और वर्तमान में 3000 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक है। डेंगू बुखार एडीज मच्छरों से फैलता है जिससे प्लेटलेट्स की संख्या घटती है जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। प्लेटलेट्स की कमी से नाक, कान या यूरिन में से रक्तस्राव हो सकता है। प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए पपीता, अनार, पालक और विटामिन B12C आयरन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन जरूरी है। साथ ही पर्याप्त लिक्विड भी लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बायजू के खिलाफ दिवाला कार्यवाही के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने दिवाला समाधान पेशेवर को मामले की स्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने NCLT के फैसले पर सवाल उठाया जिसने बायजू के खिलाफ कार्यवाही को रद्द किया था और विवाद को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का संकेत दिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने FLCC के लिए निर्देशक या सलाहकार पद के लिए रिक्त पद निकाले। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और उम्मीदवार 15 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए। चयन व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में वीजा नियमों और टेम्पररी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम यानी TFW में बदलाव किए हैं। नए नियमों के तहत कंपनियों को विदेशी कामगारों की भर्ती के लिए लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट यानी कि LMIA कराना अनिवार्य होगा। इसमें भारतीय कामगारों, विशेषकर लो स्किल नौकरियों में आने वाले लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में के प्रचार में पिस्टल क्वीन मनु भाकर को झज्जर जिले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चुनाव आयोग ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें मनु वोटिंग के महत्व पर जोर देते हुए लोगों से 100% मतदान की अपील कर रही हैं। ये खुद 5 अक्टूबर को अपने गृह जिले में वोट देने जाएंगी। मालदीव में चीन समर्थक सरकार के तहत भारत के साथ संबंधों में खटास आई है जिससे भारतीय सैलानियों की संख्या में कमी हुई है। 24 सितंबर 2023 तक सिर्फ 88,202 भारतीय पर्यटक वहां पहुंचे थे जबकि पिछले साल ये संख्या 146,057 थी। मालदीव सरकार वेलकम इंडिया अभियान भी चला रही है लेकिन स्थिति में सुधार मुश्किल नजर आ रहा। भारत एक उभरती हुई महाशक्ति को अपनी शिक्षा, आर्थिक सुधार, तकनीकी नवाचार, वैश्विक भागीदारी, रक्षा में आत्मनिर्भरता, सांस्कृतिक राजन्य और क्षेत्रीय सहयोग को सशक्त बनाने की जरूरत है। इन कदमों के माध्यम से भारत न केवल अपनी शक्ति बढ़ा सकता है बल्कि वैश्विक स्थिरता में भी योगदान कर सकता है।
न्यूयॉर्क में भारत दिवस UNGA सप्ताह के दौरान भारत की ग्लोबल साउथ में उभरती भूमिका पर चर्चा की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत की लीडरशिप को स्पष्ट किया। रिलायंस फाउंडेशन की ईशा अंबानी और अन्य प्रमुख वक्ताओं ने वैश्विक विकास पर ध्यान केंद्रित किया। कार्यक्रम में द नेक्स्ट फ्रंटियर नामक प्रकाशन का विमोचन भी हुआ। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कॉमेंट किया था उनके नाम है नन्नू गोलू कुमार, संजीव कुमार, मोहम्मद जिब्रैल, अरविंद सिन्हा, जुबैर आलम, दीपक कुमार, सपना कुमारी, कुमार शिव। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपका पसंदीदा पर्यटन स्थल कौन सा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।